आइए जाग जाइए। देखिए तो हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें हम लोग ब्रिटिशर्स का पूरा विस्तार देख लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट डे की क्लास में आपने क्या देखा था, 18वीं शताब्दी का भारत। अब हम लोग का क्या देखना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब पूरे क्षेत्र को जीत चुके हैं ना, इन्होंने बंगाल जीत लिया है, मैसूर जीत लिया है, सिख प्रांत जीत लिया है, मराठाओं को जीत लिया है, तो पूरे भारत में अब इनकी राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो स्थापित हो चुकी है और ये साम्राज्य विस्तार भी कर चुके हैं। अब इन्होंने प्रारंभ क्या किया, प्रारंभ किया भारत की आर्थिक शोषण की नीति, ठीक है। और ये जो आर्थिक शोषण की नीति है इसी को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ब्रिटिशर्स की आर्थिक शोषण की नीति, ठीक है। देखिए यहां पर जब हम लोग आर्थिक शोषण की नीति की बात कर रहे हैं, या ब्रिटिशर्स किसी को आर्थिक नीति भी आप कह सकते हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि यही क्या है, उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद, कॉलोनलिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उपनिवेशवाद होता क्या है और किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने इस उपनिवेशवाद के तहत चरणबद्ध तरीके से भारत में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग आर्थिक शोषण की नीति को अपनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद होता है जब किसी राष्ट्र की या राज्य की प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का क्या किया जाता है, आर्थिक शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण, या सरल शब्दों में कह सकते हैं उपनिवेशवाद क्या है, यह एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है, तो इसमें किसी क्षेत्र का आर्थिक शोषण किया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशवाद का संबंध किससे है, आर्थिक शोषण से है, ठीक है। और जब हम आर्थिक शोषण की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र में जब आप उसका आर्थिक शोषण करना चाहते हैं, आर्थिक शोषण का मतलब कि वहां से ज्यादा आप लाभ लेना चाहते हैं, कौन सा लाभ, आर्थिक लाभ, तो आपको वहां के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उनमें भी हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि आपका नियंत्रण और ज्यादा हो। मुख्य रूप से जब आप राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं तो आपका नियंत्रण व्यापार पर और जो आपको संसाधनों की आवश्यकता है उसके दोहन पर बढ़ जाता है। और जब आप ऐसा काम करेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप करना ही चेन के रूप में सामाजिक व सांस्कृतिक हस्तक्षेप को भी जन्म देता है, ठीक है। तो आर्थिक शोषण नीति की प्रारंभ कहां से होता है, या आप ये कहिए कि उपनिवेशवाद का प्रारंभ कहां से होता है, आर्थिक शोषण से होता है, लेकिन इसका चरम कहां पर होता है, इसका चरम पहुंच जाता है राजनीतिक प्रशासनिक सामाजिक व सांस्कृतिक शोषण से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि उपनिवेशवाद क्या है, यह है एक प्रकार की विचारधारा, और इस विचारधारा का जन्म कहां हो रहा है, तो इस विचारधारा का जन्म हो रहा है यूरोप में। यूरोप में जो समुद्री मार्गों की नई खोज चल रही थी, ठीक है, आप कह सकते हैं यूरोप में जो नए समुद्री मार्गों की खोज दौर प्रारंभ हुआ, उसी दौर से इस नई विचारधारा ने भी जन्म ले लिया, क्योंकि प्रत्येक जो यूरोपीय थे वो अलग अलग देशों में जाकर के क्या करना चाहते थे, वहां से आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। और अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पर प्रारंभ में आप एक सरल तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जिसे व्यापार कहते हैं, लेकिन व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लाभ की जो आप कह सकते हैं संतुष्टि होती है वो कहीं जाकर सीमित नहीं होती, और आप और ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शक्ति संघर्ष करने लगते हैं,
और यहां पर आ देखिए शक्ति संघर्ष का प्रारंभ कहां से हो रहा है, तो यूरोपियों में आपस में ही प्रारंभ हो गया है। पहले भारत में यूरोपीय आए और ज्यादा से ज्यादा भारत का आर्थिक शोषण करने के लिए वो आपस में ही संघर्ष करने लगे। जब इस आपस के संघर्ष में ब्रिटिशर्स आगे निकल करके आए, तब उन्होंने भारत में, भारत की व्यवस्थाओं में, पहले प्रारंभिक चरण में, चरण अभी हम लोग देखेंगे, भारत में प्रचलित जो व्यवस्थाएं थी उसी के अनुसार यहाँ पर शोषण किया। लेकिन जब राजनीतिक हस्तक्षेप किए और धीरे धीरे इन्होंने भारत के क्षेत्रों में अपनी पैठ मजबूत की, तो ये एक प्रकार की साम्राज्य विस्तार की नीति हुई। और राजनीतिक स्थिति मजबूत किए, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या करने लगे, अपना हस्तक्षेप करने लगे और प्रत्येक स्थान पर भारत का शोषण किए। ठीक है, तो ये उपनिवेशवाद का जन्म कहां से हो रहा है, यूरोप से हो रहा है। चरम पर कहां पहुंच रहा है, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो रही है, उसके बाद से ये आप कह सकते हैं कि औपनिवेशिक नीति इनकी चरम पर पहुंच रही थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी प्रारंभिक बिंदु में था इनका औपनिवेशिक नीति। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये औपनिवेशिक नीति की जो संकल्पना है इसे दो तरह समझिए। तो उपनिवेशवाद, देखिए उपनिवेशवाद में क्या होता है, एक मातृ देश होता है और दूसरा क्या होता है, उसका उपनिवेश होता है, उपनिवेश होता है। भारत के संदर्भ में समझिए कि जो मातृ देश था वो कौन था, ब्रिटेन था, और जो इसका उपनिवेश था वो कौन था, भारत था। और आप जानते हैं उपनिवेशवाद की नीति क्या होती है, तो उपनिवेशवाद की नीति होती है आर्थिक शोषण करना। यानी इस विचारधारा में क्या होता है, जो मातृ देश होता है वो अपने उपनिवेश का आर्थिक शोषण करता है, और ये आर्थिक शोषण क्या होता है, धीरे धीरे राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शोषण भी करना प्रारंभ कर देता है। संपूर्ण व्यवस्था के तहत अगर हम बात करें तो मातृ देश वाला क्या होता है, वो उपनिवेश को पूरी तरह से शोषित करता है और वहां के प्रत्येक मानवीय या प्राकृतिक संसाधनों का लाभ अपने देश के हितों में पूर्ण करता है। ठीक है, इसमें जरूर ही आपको एक झलक देखने को मिलेगा कि जो मातृ देश होता है वो उपनिवेशवाद के साथ ये दिखावा करता है कि हम आपके यहाँ विकास कर रहे हैं, आपके यहाँ हम निवेश कर रहे हैं, आपके यहाँ हम चीजों का उत्थान कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रत्येक गतिविधि में क्या होता है, खुद का स्वार्थ छुपा होता है और अंदर ही अंदर क्या होता है, उपनिवेश पूरी तरह से खोखला हो जाता है। भारत की पृष्ठभूमि में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए इनकी जो आर्थिक लाभ पाने की आप कह सकते हैं लालसा थी वो इस कदर बढ़ गई थी कि ये क्या किए, भारत के मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में जो जनजाति लोग थे उन तक को नहीं छोड़े, सबको शोषित किए, सबके ऊपर अनैतिक तरीके से व्यवहार किए, उनको उनकी जमीनों से प्रतिस्थापित किए, यहाँ के किसानों की बदहाली निष्कर्ष के रूप में निकल करके आई, यहाँ पर कभी भी औद्योगिकरण नहीं हो पाया और जो पहले से प्रचलित उद्योग थे, जो लघु कुटीर उद्योग चलते थे, शिल्प उद्योग चलते थे, सबका पतन कर दिया। यहाँ का जो उत्पाद होता था, जो कच्चा माल होता था, उन सभी को क्या करते थे, अपने के यहाँ लेकर जाते थे, उसका लाभ प्राप्त करते थे और उसके बदले में अपने के यहाँ से तैयार माल क्या करते थे, भारत में लाते थे, भारत में बेचते थे। कच्चे माल का भी हकदार भारत नहीं था और बने वस्तु का मूल्य भी भारत को उसकी आवश्यकता अनुरूप नहीं मिलता था, वो लाभ के दृष्टिकोण से महंगा मिलता था। और भारत में किसी भी प्रकार की जो विकास था उसको मतलब बढ़ना तो छोड़िए स्थायी तक नहीं रहना दिए थे। तो निष्कर्ष के रूप में आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार की स्थिति रही होगी। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रत्येक स्तर पर शोषण हो रहा है। ठीक, अब हम उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये उपनिवेशवाद जो होता है या उपनिवेश, ये पहले बताया वाद का मतलब विचारधारा से होता है, तो एक प्रकार की विचारधारा है ना, ये दो प्रकार से होती है, एक जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद और दूसरा कहेंगे अप्रत्यक्ष उपनिवेशवाद। दोनों में अंतर क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद ये 1947 से पूर्व
ये जो प्रक्रियाएं आप देखते थे देशों के गुलाम होने की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े स्तर पर क्या है, जो उपनिवेश थे वो स्वतंत्र होना प्रारंभ किए हैं। तो उससे पूर्व जो आप प्रक्रिया देख रहे थे वो प्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशवाद था, और उसके बाद जब आधुनिक युग आप देखते हैं, भारत की आजादी के बाद का दौर देखते हैं, तो भी वैश्विक स्तर पे बहुत से देशों ने अपनी उपनिवेशवाद की नीति को चलाया है। ये जो अप्रत्यक्ष उपनिवेशवाद है इसी को हम क्या कहते हैं, नव उपनिवेशवाद भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके क्या होता है। तो पहला क्या है, प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद। प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद क्या है, आइए, जब कोई मातृ देश अपने राज्य क्षेत्र से बाहर निकलकर दूसरे राष्ट्र या राज्य में जाकर अपनी उपनिवेश की नीति को संचालित करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद कहते हैं। भारत के संदर्भ में फिर से एक बार समझिए, ब्रिटिशर्स भारत में आए और यहां पर रह करके इन्होंने क्या किया, आर्थिक शोषण का कार्य प्रारंभ किया, यानी अपनी उपनिवेशवाद की नीति को चलाया, तो इसे आप क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद कहेंगे। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष उपनिवेशवाद में क्या होता है, प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद इसमें क्या होता है, कोई मातृ देश बिना अपने क्षेत्र से बाहर निकले अपने उपनिवेश यानी दूसरे देश का क्या करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष उपनिवेश। आधुनिक दौर में इसी प्रकार का उपनिवेश चलता है। ठीक है, इसके उदाहरण के रूप में जैसे आप देखिए यूएसए, यूएसए ने क्या किया, गल्फ देशों के साथ अपनी प्रौद्योगिकी देने के लिए, अपने हथियार देने के लिए, अपनी सहायता देने के लिए वहां पर क्या किया, उनको अपने स्तर से सारी राजनीतिक घटनाक्रम करने के लिए मजबूर किया। ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, कुवैत हो, सभी के साथ आप देखे हैं कि पहले अमेरिका ने क्या किया है, लाभ प्राप्त किया है, उसके पश्चात फिर क्या हुआ है, उनको ऐसी स्थिति में छोड़ दिया कि या तो उनके साथ युद्ध हो गया है और या तो फिर क्या हो गया, अफगानिस्तान जैसा देश जो बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। तो जब तक वहां पर ये अपना लाभ प्राप्त कर रहे थे, आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे थे, तब तक आप देख रहे थे कि उनके साथ संबंध अच्छे बनाए हुए थे, लेकिन जब इनको लगा अब आर्थिक जो गतिविधि है वो इनके हित में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो संबंधों में क्या हो गए, खटास आ गए। कभी अमेरिका किसी देश में जाकर प्रत्यक्ष रूप से वहां पर राजनीति कर शासन कर वहां पर आर्थिक हित प्राप्त नहीं किया है। दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने में बहुत हद तक किसी को जिम्मेदारी बनती है तो अमेरिका की भी बनती है। अमेरिका का दोहरा व्यवहार सदैव से रहा है, उसमें पहला कि दुनिया के सामने वो आतंकवाद का विरोध करता है, लेकिन ये आतंकवादी जो होते हैं इनको हथियार की सप्लाई कौन करता है। जहां जहां आपने देखा है कि अमेरिका ने इस प्रकार से अंदर से काम करना प्रारंभ किया है, वहां वहां पर ये आप जो देखते हैं मध्य एशिया का क्षेत्र है, वहां पर इतनी अशांति क्यों है, पूरा सीरिया, इराक आप देखेंगे, ईरान देख रहे हैं ना, और प्लस और जो आप देखते हैं जो गल्फ खाड़ी के देश हो जा रहे हैं, इन सभी जगहों पर जो इतनी अशांति है उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, अमेरिका की अपनी व्यक्तिगत नीति भी रही है। अमेरिका को झटका तब लगा था जब अमेरिका के यहाँ क्या हुआ, आतंकवादी हमला हो गया था, 2000 कब हुआ था, अरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है, तो उसी के बाद से क्या, 2001 का था, उसी के बाद से क्या था, अमेरिका के जो दिमाग थे वो खुल गए, लेकिन अमेरिका ने अपने हथियार की सप्लाई करना तो बंद नहीं किया, ये जरूर है कि फिर मतलब आतंकवाद को खुले स्तर पर आकर के विरोध करना प्रारंभ किया। बहुत से बार आपने सुना होगा लादेन को संरक्षण देने वाला कौन था, अमेरिका था। ठीक है, तो ये सब क्या है, पूरी दुनिया में अपने आर्थिक हितों के लिए वहां के लोगों का शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण भी हो रहा है प्लस सांस्कृतिक शोषण भी वहां पर किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी पॉलिसी पर आप देखेंगे तो आपको कौन दिखाई देगा, चीन भी दिखाई देगा। चीन जो है वो हथियार का तो नहीं कर रहा है, लेकिन प्रत्येक देश में अपने माल को ला करके इस स्तर पर भर दे रहा है कि वहां की आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण कौन कर रहा है, चीन कर रहा है।
भारत में हम लोग चर्चा करते हैं एक छोटे से छोटे सामान से लेकर बड़ा सा बड़ा सामान भारत के बाजारों में जो भरा पड़ा है वो किसका है? चाइना का। वही बैठा है अपने के यहाँ, लेकिन उसकी नीति से क्या होता है, सब कुछ प्रभावित हो जाता है। व्यापार पहली नीति है, ठीक है। दूसरी नीति उसकी क्या है, क्योंकि व्यापार के माध्यम से इतना पैसा कमा लिया है कि छोटे छोटे देशों को बरगलाता है। कभी मालदीव को बरगलाएगा, कभी नेपाल को बरगलाएगा, कभी ताइवान को धमकी देगा और अपने साथ मिलाने की बात करेगा, और कभी ना किसी कारण मतलब बिना किसी कारण देशों के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनाने के लिए भी हमेशा तैयार रहेगा, जैसे कि भारत के साथ। तो ये क्या है, हर जगह पर उसका एक तरह से आप कह सकते हैं उपनिवेशवाद चल रहा है, लेकिन कौन सा? नव उपनिवेशवाद, उसकी साम्राज्यवाद की ये प्रवृत्ति है, ठीक है। पाकिस्तान को उकसाना, पाकिस्तान में मतलब आप कह सकते हैं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके, पाकिस्तान में व्यापार की नीतियों को अपने स्तर पर लाकर रखना ताकि क्या किया जा सके, भारत के व्यापार को कमजोर किया जा सके। इसके अलावा श्रीलंका जैसे देश में आप देखते हैं निवेश करना, भारत के पूरे दक्षिण क्षेत्रों में हिंद महासागर में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जैसे हम्बनटोटा हो गया या हामुर्ज हो गया, इन सब जगहों पे क्या है, पैसे का निवेश करके अपना क्या करना, अपना जो सैन्य अड्डा है उसे ओपन करना, उसे खोलना, ये सब क्या है, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं अन्य देशों के साथ जिसके साथ भी उसका टकराव है या जिसके साथ उसकी प्रतिस्पर्धा है उसका शोषण करने की प्रवृत्ति है। पहले प्रयास में रहेगा आर्थिक शोषण करे, व्यापार की नीति बढ़ाए, और फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वहां की राजनीतिक हस्तक्षेप करता है। नेपाल आप देख रहे हैं, मालदीव आपने देखा, भारत के साथ उनके बिगड़ते संबंध का कारण क्या है, भारत के साथ उनके बिगड़ते संबंध का बहुत बड़ा कारण क्या है, उसकी आर्थिक नीति है। देशों में इतना निवेश कर देता है, प्लस जो जो मतलब राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको चुनाव जिताने में इतना पैसा दे देता है अपना कि जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो एक तरह से चाइना के गुलाम हो जाते हैं, और फिर वो वही बात बोलते हैं जो चाइना उनके कान में फूंकता है, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं छोटे छोटे देश भी धीरे धीरे करके क्या होते हैं, वो उछलने लगते हैं ना? लेकिन ये ध्यान रखिएगा, चाइना फिर क्या करेगा, पुनः जो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेगा तो क्या होगा, इन देशों को भी क्या होगा, आधे अधूरे स्थिति में छोड़ करके फिर कहीं दूसरी अपनी नीति बनाने निकल जाएगा, ठीक। ये सभी क्या आते हैं, उपनिवेशवाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चूंकि ब्रिटिश काल को पढ़ रहे हैं, ये तो आधुनिक काल से भी लिंक करते हुए मैंने आपको उपनिवेशवाद को बता दिया कि ऐसा नहीं है कि इस समय युद्ध नहीं हो रहा है, साम्राज्य विस्तार नहीं हो रहा है, तो ये उपनिवेशवाद नहीं चल रहा है। ये भी अलग अलग जब आप मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कूटनीति चलती रहती है, वो उपनिवेशवाद का ही एक हिस्सा है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे ब्रिटिश उप निवेशवाद। अच्छा, ब्रिटिश उपनिवेश की बात कर रहे थे तो इसी को आप कह सकते हैं आर्थिक शोषण की नीति। ध्यान रखिएगा, भारत में जो ब्रिटिशर्स द्वारा आर्थिक शोषण की नीति चली है उसकी अपने कुछ विशेषताएं रही। अगर हम विशेषता की बात करें तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि भारत में जो आर्थिक शोषण की नीति रही है ये तीन चरणों में रही है, तीन चरणों में, और इन तीन चरणों का जो वर्गीकरण है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है, ठीक है। अभी हम लोग एक एक करके चरण को समझेंगे। इसमें पहला चरण है जिसे वणिक चरण या वाणिज्यिक चरण कहते हैं, दूसरा चरण जो है उसे औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं या मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं, और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद का चरण है। और प्रत्येक जो चरण आप देख रहे हैं उसमें आप पाएंगे कि प्रत्येक आर्थिक शोषण की नीति में जो बदलाव रहा है उसका कारण क्या है, उसका कारण हमेशा ब्रिटेन की आवश्यकता रहा है, ब्रिटेन की आवश्यकता। इसका मतलब भारत के विकास को ध्यान में रख करके या भारत को एक्चुअल में, मैं यहां पर पूरी आपको आर्थिक नीति को निगेटिव कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि शोषण नीति रही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सकारात्मक कहें और कहें कि भारत में इन्होंने जो आर्थिक नीति चलाई है, तो यहां पर अभी हम उसमें शोषण की बात ना करें तो आप कहेंगे ना कि जो इनकी आर्थिक नीति रही है वो समय समय पर जो आर्थिक नीति में बदलाव दिखाई दिया है वो कहीं से भी भारत के लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। ये किसके लिए ध्यान में किया गया है, ये ब्रिटिशर्स की आवश्यकता या लाभ को,
ये जरूर है कि प्रत्येक आर्थिक नीति में जो बदलाव हो रहा था तो भारत ने दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो आर्थिक नीति में बदलाव कर रहे हैं ये आपके उत्थान के लिए कर रहे हैं या आपके विकास के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं था नहीं। प्रत्येक चरण ब्रिटेन की आवश्यकता रही है और उसके अनुरूप यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो उपनिवेशवाद का इनका चरण रहा है, ठीक है, ये निरंतरता व परिवर्तन के स्तर से होकर गुजरा है। यानी जब ये एक चरण से दूसरे चरण में जा रहे थे तो कुछ चीजें तो आपको निरंतर दिखाई देंगी जबकि कुछ चीजें बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए दिखाई देंगी। उसी तरह से आप दूसरे से तीसरे चरण पर जाएंगे तो कुछ चीजें आपको निरंतर दिखाई देंगी और कुछ चीजें आपको बड़े स्तर पर परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगी। तो प्रत्येक चरण पर निरंतर व परिवर्तन दोनों के तत्व जो थे मौजूद थे, ठीक है। इसके अलावा हम और बात करें तो हमेशा से ध्यान रखिएगा कि जब भी हम यहां पर बात करें तो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है, लेकिन इसकी प्रकृति दूसरी थी, परिवर्तित थी। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? आर्थिक नीति में व्यापार संतुलन एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिससे पता चलता है कि यदि किन्हीं दो लोगों के बीच में किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि चल रही है तो उसमें कौन किस पर निर्भर है। जिसकी निर्भरता दूसरे वाले पे ज्यादा रहेगी वो क्या होगा, व्यापार संतुलन में कमजोर होगा, और जो किसी पर निर्भर नहीं होगा वो क्या होगा, व्यापार संतुलन में मजबूत होगा। हालांकि वर्तमान के व्यापार संतुलन में सबका अपना अपना एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, लेकिन कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। चाइना के दृष्टिकोण से अगर हम समझे तो आप देखेंगे चाइना की भारत पर निर्भरता है, भारत पर निर्भरता है क्योंकि इतना बड़ा बाजार है। अगर आप सोचिए भारत में उसके माल नहीं बिकेंगे तो उसको आर्थिक नुकसान होगा कि नहीं होगा। लेकिन वही भारत के दृष्टिकोण सोचिए कि कल आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में देखा है कि पूरी आर्थिक गतिविधि किस पे चलती है, मांग और आपूर्ति पे चलती है कि चलती है। अगर मान लेते हैं चाइना की तरफ से आपूर्ति रुक जाए तो भारत के लोगों की मांग तो नहीं रुकने वाली है ना, मांग तो बनी रहेगी, आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो भारत की भी तो आवश्यकताएं रुकेंगी। तो इस तरह से दोनों का संतुलन है अपना अपना, ठीक, कहीं ज्यादा किसी का रहेगा कहीं किसी का कम रहेगा। तो भारत चाइना पे ज्यादा डिपेंड है या चाइना भारत पे ज्यादा डिपेंड है? चाइना भारत पे ज्यादा डिपेंड है। आज भी अगर आप देखेंगे तो व्यापार संतुलन जो है भारत के ही पक्ष में है। क्यों? क्या चाइना अपने सारे सामान को वापस ले लेगा तो भारत के लोग भूखों मर जाएंगे? क्या उनके पास पहनने के कपड़े नहीं होंगे? क्या उनके पास स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं नहीं होंगी या उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी? सब होता था फिर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा समझौता करना पड़ेगा और समय के साथ साथ आत्मनिर्भर तो हम लोग हो ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापार संतुलन आज भी भारत के ही पक्ष में है। उस समय देखिए, आप देखिए क्या मिलता था भारत को ब्रिटेन से? कुछ नहीं मिलता था, जो लेते थे सब ब्रिटिशर्स लेते थे। इसका मतलब ब्रिटिशर्स की भारत पर निर्भरता क्या थी? बहुत ज्यादा थी। क्यों? देखिए ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन इसे कच्चे या कच्चा माल की आवश्यकता थी। ब्रिटेन छोटा सा देश, सीमित जनसंख्या, सीमित संसाधन, वहां पर कृषि उत्पाद भी उतने नहीं होते थे कि अपनी पूरी आवश्यकताओं की प्राप्ति कर सके। तो कृषि उत्पाद से लेकर के प्लस अपने औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल को उनको भारत से आवश्यकता थी कि नहीं थी? तो वो भारत पर निर्भर थे कि नहीं थे? वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब यहां से माल लेकर वो ब्रिटेन जाते थे तो वहां पर उसका क्या करते थे, उसका हाँ प्रौद्योगिकी में उपयोग करते थे। इसका मतलब क्या था, उसका जो वहां पर जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे बने माल तैयार हो रहे थे, और जो बने माल तैयार हो रहे थे तो उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए, और बाजार कहाँ था, भारत में था कि नहीं था? तो वो कच्चे माल के लिए भी भारत पर निर्भर थे और अपने बने वस्तुओं के लिए भी भारत पर निर्भर थे। तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में रहा, लाभ किसे मिला, यही सबसे बड़ी समस्या थी कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में होने के बावजूद भारत को कोई भी लाभ नहीं मिला, नुकसान ही हुआ, जबकि ब्रिटिशर्स को बहुत लाभ हुआ। इसीलिए कह रहे हैं कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था लेकिन इसकी प्रकृति जो थी वो दूसरी थी, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं
ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि आर्थिक नीति चरणबद्ध तरीके से रही है, तो आर्थिक नीति का देखिए आर्थिक नीति का चरण, तो ये पहला चरण क्या है? पहला चरण इसे कहते हैं वणिक या वाणिज्यिक चरण। दूसरा कौन सा है? दूसरा है औद्योगिक चरण। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। और तीसरा क्या है? वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये जो वणिक या वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण है, ये कब है? तो ये प्रारंभ हो रहा है कब से? 1757 प्लासी के युद्ध, जब इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। ठीक है, वहां से लेकर के कब चलेगा? 1813 तक। 1813 का चार्टर एक्ट आता है, कुछ विशेष प्रावधान लेकर चले आते हैं जहां से इनकी आर्थिक नीति में बदलाव देखने को मिलता है। 1813 से फिर ये क्या है? तो 1857 या मोटे स्तर पे आप 60 तक मान सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है, तो कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो रहा है और भारत में पूरा जो व्यवस्थाएं था अब वो कहाँ पहुंच गया? ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। तो नई नीति वहां से प्रारंभ हो गई। ठीक, और वहां से जब प्रारंभ हो रही है तो यहीं से इन्होंने ज्यादा छल कपट किया, क्योंकि उससे पहले कम से कम कंपनी थी, तो कंपनी तो अपने नाम से ही प्रचलित थी कि वो व्यापार करने आई है, और व्यापार अपने आप में दूसरा शब्द भी देके जाता है कि हम लाभ लेने आए हैं। लेकिन जब सरकारी संरक्षण में पहुंच गई चीजें, तो वहां पर फिर आप देखेंगे कि उन्होंने छल किया, ये दिखाने का प्रयास किया कि अब जैसे हमने ब्रिटेन का विकास किया है, यूरोप में जो विकास की गति चल रही है, हम आपके यहाँ भी क्या करेंगे? वैसा ही करेंगे। इसीलिए निवेश की नीति लेकर के आए और दिखावा किया कि हम आपके यहाँ शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, हम आपके यहाँ रेल पर खर्च कर रहे हैं, हम आपके यहाँ जो है जो तार है उस पर खर्च कर रहे हैं, सब पर जो खर्च का प्रावधान दिखाया, एक्चुअल में दिखा रहे थे हम भारत का विकास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी प्रत्येक नीति के पीछे उनका निजी स्वार्थ छुपा था। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तीनों को। तो अब ये कहाँ से है? 1860 से लेकर 1947। ठीक है, आइए अब पहले बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण कौन सा है? वणिकवाद का चरण। वणिकवाद का चरण, ठीक है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कब है, 1757 से 1813 तक। देखिए वणिकवाद का जो चरण है इसको ध्यान रखिएगा, इनकी ये जो आर्थिक नीति थी, इस नीति में ये भारत में जो प्रचलित व्यवस्था थी उसमें बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए अपनी आर्थिक नीति चलाई है। इसका मतलब क्या है? भारत में इनके आने से पूर्व क्या था? मुगल प्रशासन केंद्रीय स्तर पर काम कर रहा था, तो मुगल प्रशासन या मुगल शासन के काल में भारत में जो यहां की कर प्रणाली थी, राजनीतिक स्थिति थी, शिक्षा का स्तर था, ठीक है, प्रशासन का जो कार्य था उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, जो जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलता रहा, और उस प्रचलित व्यवस्था के तहत ही यहां पर आर्थिक संसाधनों का लाभ लेकर के अपने के यहां गए हैं। ठीक है, इसीलिए इसे
अहस्तक्षेप का चरण भी कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, इनके हस्तक्षेप का बस आपको एक जगह पर राजनीतिकरण हो गया, जहां पर आप देख रहे हो कि बंगाल में इन्होंने क्या किया, द्वैत शासन लगाया था, ठीक है, और वहीं से राजनीतिक हस्तक्षेप करते हुए इन्होंने क्या किया था, भारत के उन क्षेत्रों में अंधाधुंध संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ किया। लेकिन इस समय इनकी प्रवृत्ति क्या थी, तो इस समय इनकी प्रवृत्ति जो थी वो कैसी थी, व्यापारिक प्रवृत्ति थी, व्यापारिक प्रवृत्ति थी। देखिए 1757 से ही हम चरण क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 1757 से व्यापारिक चरण में, आप कह सकते हैं कि व्यापारिक प्रवृत्ति में भी बदलाव देखने मिला। जब ये 1600 में हमारे यहाँ आए और जब भारत में बंगाल तक की स्थिति इनकी नहीं बनी थी, देखिए 1757 में फर्रुखसियर द्वारा दिया गया इनको जो शाही फरमान था मैग्ना कार्टा जिसे आप कह रहे हैं, वहां से इनकी शक्ति थोड़ी थोड़ी मजबूत होने लगी। उससे पहले क्या हो रहा था, ये व्यापार करते थे तो हमारे यहाँ से अगर कोई भी सामान लेके जाते थे तो उसके बदले में कुछ देते थे ना, सोना देते थे, चांदी देते थे, अपने यहाँ के बहुमूल्य चीज देते थे, बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते ही व्यापार हमारा हो, कुछ हम देंगे बदले में हमको कुछ मिलेगा। तो उससे पहले तो ऐसे चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं जो इनका व्यापार था इसमें लाभ की प्रवृत्ति इनकी बढ़ने लगी, और ऐसे स्थिति में इन्होंने क्या किया, इन्होंने संघर्ष प्रारंभ कर दिया, संघर्ष प्रारंभ कर दिया। और इस संघर्ष में इन्होंने पहले यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष किया, यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष किया, जैसे आपने देखा इनका पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हो रहा है, फिर डचों के साथ संघर्ष हो रहा है जहां वेदवा के युद्ध में डचों को पराजित कर रहे हैं, फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष हो रहा है जहां वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने यूरोपीय जो अन्य प्रतिस्पर्धी वाले देश थे उनको जब भारत से बाहर कर दिया तो भारत के फिर स्थानीय स्तर पर अपने जो हस्तक्षेप थे उसको प्रारंभ किया। लेकिन स्थानीय स्तर पर इनका जो हस्तक्षेप है उसमें आप देख रहे हैं जैसे इन्होंने क्या किया, बंगाल में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, इसके बाद फिर आप दूसरे स्तर पर देख रहे हैं इन्होंने मैसूर में युद्ध प्रारंभ कर दिया था, इसके बाद फिर आप इसी तरह से देख रहे हैं भाई 13 तक हम लोग चल रहे हैं और 18 तक जाकर के क्या किए थे, 17-18 मराठा को विलय कर लिए थे, इसका मतलब क्या था, मराठा को क्षेत्र को लगभग उस समय तक अपने नियंत्रण में कर लिए थे, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि अभी इन्होंने क्या किया, स्थानीय क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करके राजनीतिक हस्तक्षेप भी प्रारंभ कर दिया था। और सबका मूल उद्देश्य क्या था, सबका मूल उद्देश्य था भारत में, देखिए अभी यहाँ पे कुछ ना उत्पादन कर रहे हैं ना यहाँ पे उत्पादन की जो मतलब प्रकृति थी उसको परिवर्तित कर रहे हैं, कहने का मतलब कि अभी ये भारत में जो प्रचलित कृषि प्रणाली थी उसमें भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं कि तुम ये उगाओ हमको ये चाहिए, हम ये माल लेकर के आ रहे हो तुम इसको ऐसे बेचो, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी ये केवल क्या कर रहे हैं, भारत में जितने भी प्रकार से प्राकृतिक या मानवीय संसाधन थे उन सब का क्या कर रहे हैं, उन सब का दोहन कर रहे हैं, मतलब उन सब का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए अपने देश के हित के लिए, और यहां से सारी चीजों को ले जा रहे थे ब्रिटेन में, ठीक है। ये कौन सा चरण है, प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण व्यापार का चरण था, इसीलिए वणिकवाद या वाणिज्यवाद कह रहे हैं, जहां पर भारत में इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई और भारत में जो प्रचलित प्रावधान थे उसको वैसे ही चलने दिया और उस प्रचलित प्रावधान में ही भारत का शोषण करना प्रारंभ कर दिया, भारत की आर्थिक नीति को चलाया था, ठीक है। अब आइए चलते हैं द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण कौन सी है, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। देखिए ये कब है, तभी हम लोग चर्चा किया था 1813 से लेकर के 1857 मान लीजिए। अब देखिए औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में क्या था, औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में क्या था, देखिए भारत में सॉरी ब्रिटेन में या ऐसे कह लीजिए
यूरोप में 1760 क्या माना जाता है, औद्योगिकरण का काल माना जाता है ना। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अब ये जो 1760 में यहां पर जो औद्योगिकरण हुआ था, इसके तहत यहां पे क्या हो रहा था, बड़ी बड़ी मशीन लगाई जा रही थी और वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा था। इस वस्तुओं के उत्पादन के लिए क्या था, एक तो कच्चा माल की आवश्यकता थी, दूसरा जब यहां से क्या होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अपने उत्पाद को प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादित करेंगे, तो ऐसे में उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, बाजार की जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया ब्रिटेन एक छोटा सा देश था जहां पर क्या थे, प्राकृतिक संसाधनों का भी अभाव था और जनसंख्या भी इतनी नहीं थी कि प्रत्येक, चूंकि वहां पर क्या होता, अब औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म ले चुका था, कई इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुके थे, सभी की अपनी आवश्यकताएं थी और वो जो प्रतिस्पर्धा थी वो वहां के क्षेत्र के लिए सीमित पड़ रही थी। आप कह सकते हैं जो प्रतिस्पर्धा थी उसके लिए वो क्षेत्र जो था वो छोटा पड़ रहा था, प्रतिस्पर्धा बड़े चरम पर हो चुकी थी। ऐसे में यूरोप में क्या हो रहा था, अब नई मांग उठने लगी, क्या उठने लगी कि भारत जैसे देश के साथ जो व्यापार है वो यूरोप के प्रत्येक नागरिक के लिए खोल देना चाहिए। और ये जो 1760 में इनकी औद्योगिक क्रांति हो रही है, ये जा करके 1813 के करीब यानी द्वितीय चरण के करीब क्या हो रहा है, ये अपने चरम पर पहुंच गया। और उसी समय क्या हो रहा है, एडम स्मिथ ने अपनी एक क्लासिकल थ्योरी दे दी, जिसमें जो पुस्तक आपने चर्चा किया था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने कहा कि अब जो अर्थव्यवस्था है ब्रिटेन के सापेक्षता में, उसमें बताया कि वहां पर अब थोड़ा सा क्या करना चाहिए, उसको परिवर्तित करना चाहिए और यहां पर क्या है, फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार का चरण कर देना चाहिए। अब इसमें क्या है, भारत में यूरोप का कोई भी व्यक्ति आए और व्यापार करे, इसी प्रवृत्ति के तहत आपने देखा क्या हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट आया। और 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, जो कंपनी थी, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये बात जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने पूरा चार्टर एक्ट वगैरह नहीं पढ़ा है, तो इस तरह से समझिए कि जब 1600 में आपने पढ़ा, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो देखा था ना आपने कि एक कंपनी थी जो भारत में आकर व्यापार कर रही थी और पूरे भारत में व्यापार करने का जो अधिकार था वो सिर्फ उस कंपनी को था, उसके अलावा भारत के साथ व्यापार ब्रिटेन का कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जब वहां पर क्या हुआ, औद्योगिकरण अपने चरम पर पहुंचा, तो वहां के लोगों की मांग उठने लगी कि हमको भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। और इसी को हम लोग क्या करें, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण या मुक्त व्यापार का चरण। और कार्ल मार्क्स ने भी समर्थन कर दिया और क्या कहा कि भारत के साथ व्यापार के लिए ये जो कंपनी का एक अधिकार है उसको समाप्त करके सभी के लिए खोल देना चाहिए। तो फिर 1813 में वहां पर एक चार्टर एक्ट प्रस्तुत किया गया और उसके तहत क्या है, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया केवल दो क्षेत्रों को छोड़कर, एक क्या था, चाय और दूसरा चीन। इसका मतलब कि भारत में चाय का व्यापार, समझ लीजिए चाय कितनी महत्वपूर्ण चीज है ना, मतलब सारी चीजें एक तरफ और चाय एक तरफ ना, कोई पीने वाला होगा तो कहेगा सारी चीजें एक तरफ और ना चाय वाय में कितना दम है, मतलब चाय का भी अपने आप में एक नशा ही देख रहे हैं कि चाय भारत के लोगों को, इसलिए देखिए जैसे जियो का नशा आपके अंदर है ना, जियो मतलब इंटरनेट का नशा ना, तो ये जो इंटरनेट का नशा आपके अंदर है ये जियो कंपनी ने पहले आपके अंदर पैदा किया, कि पहले आप नशेड़ी तो बनिए उसके बाद तो उसका दाम हम वसूल लेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, आपको फ्री में इंटरनेट, फ्री फ्री फ्री। पहले जो लोग इंटरनेट को वो सब्जी में नमक के बराबर लेते थे, वो धीरे धीरे क्या हो गया, इंटरनेट इतना फ्री में मिलने लगा कि दिन में पानी के समान हो गया, जब दिखे तब पी लो, जब कोई काम ना समझ आए तब भी पी लो। फिर क्या हुआ,
उसने धीरे धीरे क्या किया, पैसा उसके लिए लगा दिया। अब तो नशा लग चुका है, अब इंटरनेट के बिना जिंदगी तो ऐसा लगता है कि मतलब शरीर है, आत्मा निकल गई है कहीं, है ना। उसी तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने चाय का पहले यहां पर लक लगा दिया, फ्री में चाय, फ्री फ्री फ्री, तुम भी पियो तुम भी पियो तुम भी पियो। और उसके बाद क्या हुआ, जब यहां पर लोग चाय के आदि हो गए, देख लीजिए कितना बड़ा इसका व्यापार रहा होगा ना। तो अब यहां पर क्या किए, चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके बाकी पूरा व्यापार जो था वो सभी के लिए खोल दिए, सभी के लिए खोल दिए। अब एक नहीं, न जाने कितने यूरोपीय व्यापारी जो थे, यूरोपीय ना कहकर हम कहें, न जाने कितने ब्रिटिशर्स जो व्यापारी थे वो भारत में आकर व्यापार करने लगे। और अब जो आर्थिक नीति थी उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होगा, क्योंकि अब इनकी मांग बदल रही है। मैंने कहा ना कि प्रत्येक चरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसका आधार क्या है, ब्रिटेन की आवश्यकता रही है। अब देखिए इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए पहली चीज तो कच्चा पदार्थ, कच्चा माल। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, अब भारत की जो कृषि प्रणाली थी, कृषि प्रणाली, उसमें परिवर्तन करना प्रारंभ किया। और इन्होंने क्या किया, भारत की कृषि को कॉमर्शलाइज्ड कर दिया। इसका मतलब अब यहां पर क्या है, नगदी फसल, नगदी फसल, या इसी को आप क्या कहते हैं, व्यापारिक फसल, इसके उत्पादन पर जोर देने लगे। अब ये नगदी फसल क्या होता है, कृषि मुख्यतः इसलिए किया जाता है कि वहां से हम खाद्यान्नों को उत्पन्न करें और भोजन के रूप में ग्रहण करें। लेकिन जब आप कृषि उत्पाद के रूप में ऐसी फसल का उत्पादन करते हैं जिसको आप खा नहीं सकते हैं, हाँ लेकिन बेच करके उससे आप पैसा कमा सकते हैं, तो वो क्या होता है, नगदी फसल होता है। जैसे कि तंबाकू, हम लोग कहेंगे खा सकते हैं, खा सकते, कितना तंबाकू से पेट भरेंगे, नहीं ना, वो तो आप अगर उगाते हैं तो उसके लिए बेचना ही पड़ेगा। चाय, कॉफी, कपास, इस सब तरह की चीजें, नील, अफीम, इस तरह की चीजें क्या होती है, नगदी फसल में आती है। तो इन लोगों ने क्या किया, नगदी फसल को बढ़ावा दिया। अब यहां पर क्या है, यहां पर चाय, कॉफी, कपास, नील, अफीम आदि के उत्पादन को बढ़ावा दिया। ऐसा नहीं कि भारत में इससे पहले नहीं होता था, लेकिन उतना ही उत्पादन होता था जिससे भारत की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए। लेकिन इनको तो व्यापार करना था, इसलिए इनको इसकी अंधाधुन आवश्यकता थी। तो भारत में इन्होंने क्या किया, आपने आगे देखा भी, जब आंदोलन होना पड़ रहे तो कितने आंदोलन, तो केवल इसलिए होगा कि नील की खेती कराया जा रहा था, जैसे कि चंपारण आंदोलन आपने देखा। तो नील की खेती को रुकवाने के लिए क्या है, किसानों को एक बड़े स्तर पर जाकर के विरोध करना पड़ा है। तो यहां पर जो कुछ भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि कच्चे पदार्थ की आवश्यकता है, कच्चे माल की आवश्यकता है। अब ये कच्चा माल कहां जाएगा, ये कच्चा माल चला जाएगा ब्रिटेन, और जब ब्रिटेन में जाएगा तो वहां से क्या होगा, बना उत्पाद आएगा, बना उत्पाद आएगा। उसके लिए किसकी जरूरत है, बाजार की। अब जब बाजार की जरूरत पड़ेगी तो भारत में वापस आ गया माल बन के। तो भारत में कोई बाहर का माल आ रहा है और कहीं भारत के लोग भी अपने क्या क्या कर रहे हैं, उत्पाद को बना रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। माल सिर्फ ब्रिटेन से भारत में मंगाना महत्वपूर्ण ही था, बल्कि पूरे भारत में केवल ब्रिटेन का माल ही बिके, ये भी एक महत्वपूर्ण था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, संरक्षणवादी नीति को अपना लिया, भारत में ब्रिटेन के प्रोडक्ट को कैसे बढ़ावा देना है। अब उसके लिए क्या हुआ, भारत में कुटीर उद्योग का पतन, शिल्प उद्योग का पतन, भारत के सूती वस्त्रों को जो है ब्रिटेन में क्या कर दिया जा रहा है, वहां पे प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है। और यहाँ पर किसानों के साथ क्या है, दगनी प्रथा जैसा प्रावधान कर लिया जा रहा है, जहां पर उनको अग्रिम भुगतान करके जो उनका उत्पाद होगा उसको खुद लेने के लिए क्या किया गया, एक उनके साथ समझौता कर लिया गया। इससे भारतीय व्यापारी वर्ग जो थे उनको क्या हो रहा था, कच्चा माल भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था कि वो किसी प्रकार का उत्पाद बना सके, और प्लस उनके क्या, चूंकि प्रौद्योगिकी उन्नत हो चुकी थी, बड़ी बड़ी मशीनें लग चुकी थी, तो जो उत्पाद बन रहे थे वो भारत के वस्तुओं की तुलना में थोड़े सस्ते भी होते थे और थोड़े
आप कह सकते हैं आकर्षक भी होते थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या था, उन्होंने पूरी तरह से क्या किया, भारत में जो व्यवस्थाएं प्रचलित चली आ रही थी उनको पतन पिला के रख दिया। यहीं पर आप देख रहे हैं जहां ब्रिटेन अपने औद्योगिकरण के चरम पर पहुंच रहा है, वहीं भारत में जो औद्योगिकरण तो नहीं था लेकिन जो फिर भी परंपरागत जो कुटीर उद्योग और हस्त उद्योग थे उसका भी पतन कर देते, ठीक है। तो दो चरण आपने देखा, एक चरण बच रहा है उसको हम लोग कल देखेंगे, फिर उसके बाद इनकी जो आर्थिक शोषण नीति है उसको हम लोग देखेंगे, इनकी किस प्रकार से मतलब ये भूमि नीति चलाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा देखा आपने, पहला आपने देखा वणिकवाद, ठीक है, जहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से भारत में प्रचलित मूल्य में ही यहां पर आए और यहां के संसाधनों को ब्रिटेन लेकर के चले गए। दूसरा आपने देखा औद्योगिक पूंजीवाद, कारण क्या था, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया, 1813 तक आते आते चरम पर पहुंच गया, ब्रिटेन की अपनी कुछ स्थानीय मांगे थी जिसकी वजह से उनको एक बड़े व्यापार के लिए एक बड़े बाजार और कच्चे माल की आवश्यकता थी, और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने क्या किया 1813 का चार्टर एक्ट लाए और जहां से फिर भारत में उनके व्यापार की नीतियां और ज्यादा सक्रिय हो गई, ठीक। इसके पक्षधर कौन थे, एडम स्मिथ थे। क्या कहा गया इसे, मुक्त व्यापार का चरण भी कहा गया है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, भारत में जो प्रचलित जो मूल्य थे, प्रचलित जो प्रणाली थी उसमें परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया, कृषि के उपज में, या आप कह सकते हैं कृषि का जो उत्पाद होता था उसका जो मतलब भारत में जो कृषि प्रणाली थी उसमें फसल का उत्पादन अपनी आवश्यकता अनुसार कराने के लिए यहाँ के प्रोत्साहित तो नहीं किए, शोषित ही किए हैं ना, ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल करके यहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार खेती कराते थे, ठीक है। इज इट क्लियर, चलिए। पांच लेटेस्ट कर लीजिए, आज हम थोड़ा सा करंट पढ़ लेंगे ना, करंट वाला जो पीडीएफ था उसको खत्म कर दिया जाए।